तो अंकल कुछ जैसे अपने इसमें ये अचार तो आपसे ले लिया, इसमें कुछ और करना पड़ेगा या फिर सीधा ले जाके खा सकते हैं अपने? बस थोड़ा सा तेल डाल लेना। अच्छा, थोड़ा सा तेल डालना है। हाँ, गरम करके ठंडा करके, गरम करके फिर उसको ठंडा करके इसके अंदर डालना। ठीक है। देखो दोस्तों, ये अंकल जा रहे हैं, इनसे बात करेंगे, अचार बेचते हैं ये। और ये अंकल है और ये अचार बेच रहे हैं, बात करेंगे इनसे कितनी सेल हो जाती है और क्या क्या आइटम बेचते हैं अचार के अंदर। नमस्कार अंकल, जय श्री आराम। जय श्री आराम। यार क्या बेच रहे हो आप? अचार। अच्छा, अचार बेच रहे हो। कौन सी वैरायटी है आपके पास अचार की? कैर का। हाँ, कैर का, कैरी का, नींबू का, मिर्ची का, लाल। अच्छा, सारा इतने कितने, मतलब 15-16 टाइप के अचार आप बनाते हो, खुद बनाते हो सारे घर पे? सारे घर पे बनाते हो। अच्छा, क्या भाव मिल जाएगा केरी का अचार वैसे? 100। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको इस साइकिल पे ये बेचते हुए अचार? 20 साल हो गए आपको। ओहो, एज कितनी हो गई आपकी? 65 साल। 20 साल, मतलब 20 साल पहले से आप अचार का काम करो। कितनी सेल हो जाती है आपकी लगभग? 500-400, मतलब दिन भर में 4-5 डब्बे बिकते होंगे, है ना? 5-6 डब्बे बिक जाते होंगे। बड़ा मुश्किल काम है। तो देखिए दोस्तों, ये है सरदार शहर के अंदर, ये अंकल हमें मिले हैं रोड पे, बस स्टैंड पे, और ये साइकिल पर अपना है वो अचार बेचते हैं। देखिए इनके पास ये भोपू भी है, ये जो स्पीकर है वो बना रखा है इन्होंने। एक बार चालू कीजिए इसको। अचार, मतलब इससे ये है। तो अंकल हमें 1 किलो अचार दे दीजिए, आपके पास जो सबसे अच्छा आपका अचार है वो 1 किलो हमें दे दीजिए। ये कितने का? 1 केजी का ये? अच्छा, 120 रुपये का एक। अरे भाई, इतना सारा अचार 120 रुपये में दे रहे हैं। और टेस्ट की क्या गारंटी है आपकी? अच्छा, चक के देख लें। तो ये भाई साहब चेक कर लेंगे, चेक कीजिए आप, देखिए एक बार इसको क्या है क्या नहीं है। टेस्ट का, अचार का कुछ पता चलता है क्या आपको? अच्छा, ये बात है। और आप अकेले ही हो है? कोई लड़के और आपके? वो काम करते हैं अपना। अच्छा, आप उनके साथ ही रहते हो या फिर अलग? साथ ही रहते हो बच्चों के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सेवा और करते हैं एकदम अच्छे से आपकी? अच्छे से सेवा करते हैं आपके बच्चे? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अंकल है साइकिल पे अचार बेच रहे हैं, दिन भर में 400-500 बिक जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ही वृद्ध है, 65-70 के आसपास इनकी एज हो गई है और ये अचार बेच रहे हैं। तो इनका सपोर्ट कीजिए, और अचार तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा ये देते हैं, तो अपने 1 किलो इनसे ले लेते हैं। और आप लोग भी अगर आपको आवश्यकता हो तो आप इनसे ले सकते हैं। वैसे आप अपना नाम बता दें। बलराम जी। बादराम भाट। कहाँ रहते हो वैसे? बादराम भाट, किसान छात्रावास के पास, सरदार शहर, है ना? ठीक है जी।